हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल कार मेनिया 4x4 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बुलेरो ZLX पावर प्लस 2018 वेरिएंट। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो प्राइस है 7.45 लाख से 9.20 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। वेरिएंट 10 वेरिएंट हमें इसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं। तीन कलर ऑप्शन मिलते हैं, लेक साइड ब्राउन, डायमंड वाइट जो कलर आप देख रहे हैं, रॉकी बीच, ये तीन कलर आपको इसमें मिल जाते हैं। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो 2523 सीसी का आपको इसमें इंजन मिलता है, एमॉक डीजल इंजन। पावर प्रोड्यूस करता है 62 bhp की। माइलेज देता है 15 kmpl ARAI सर्टिफाइड। टॉप स्पीड की बात करें तो 117 की टॉप स्पीड आपको इसमें मिल जाती है और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 195 Nm का। लेंथ की बात करें गाड़ी के तो 4107 mm है। वेट की बात करें 1745 mm, हाइट 1880 mm। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिल जाता है। रियर में आपको वाइपर मिलता है, डिफॉगर आपको नहीं मिलता है इसमें। हाइड्रोलिक क्लच के साथ आपको पावर प्लस मिलती है। फ्रंट की सस्पेंशन की बात करें तो इंडिपेंडेंट विद कॉइल स्प्रिंग एंड एंटी रोल बार मिलता है। रियर में आपको लीफ स्प्रिंग टाइप आपको मिल जाता है। डिस्क प्लस ड्रम ब्रेक आपको मिलते हैं, आगे डिस्क पीछे ड्रम, कुछ इस तरह दिखती है फ्रंट डोर बीच कॉम्बिनेशन के साथ में। फ्रंट रो सीट्स विदाउट एनी एडजस्टमेंट, आप सिर्फ बैक रेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको मिल जाती है ऑल बीच और ब्राउन कॉम्बिनेशन में। अंदर चलते हैं, देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं। थ्री स्पोक स्टेयरिंग आपको मिलता है सिल्वर फिनिश के साथ। वुडन फिनिश आपको देखने को मिलती है स्टेयरिंग और डैशबोर्ड पर। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी आपको इस वेरिएंट में मिलता है, जो कि और किसी वेरिएंट में मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं आता है, जो कि एवरेज वगैरह भी शो करता है। म्यूजिक सिस्टम की बात करें फ्रेंड्स तो म्यूजिक सिस्टम में कुछ खास नहीं, 4 स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, रेडियो, CD प्लेयर, USB और ऑक्स ये सपोर्ट करता है। मैनुअल ट्रांसमिशन आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिलता है, ट्विन कप होल्डर। पावर विंडो कंट्रोल्स आपको बीच में ही मिलेंगे। AC और हीटर भी आपको मिल जाता है। ग्लव बॉक्स नॉर्मल साइज का है। रियर व्यू मिरर डे नाइट फंक्शन के साथ में मिलता है। पैसेंजर साइड में आपको वैनिटी मिरर मिलता है छोटा सा और ड्राइवर साइड में कुछ नहीं मिलता है। बीच में आपको यहाँ माइक मिल जाता है। यहाँ बीच में एक लैम्प भी आपको अवेलेबल कराई गई है, रीडिंग लैम्प। चलिए फिर रियर में चलते हैं और देख लेते हैं आपको क्या क्या मिलता है, कितना स्पेस मिलता है। सेफ्टी की बात करें फ्रेंड्स तो सेफ्टी में हमें सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अलार्म वार्निंग, कीलेस एंट्री, इंजन इमोबिलाइजर, एंटी थेफ्ट डिवाइस जैसे फंक्शन आपको मिल जाते हैं। रियर में पूरी सीट मैंने पीछे कर रखी है ड्राइवर, तो रियर में सीट की आप कंफर्ट और स्पेस देखें तो ज़्यादा नहीं है। बीच में आपको आर्मरेस्ट दिया गया है, स्पेस के मामले में थोड़ी कंजेस्टेड है, लेकिन अगर ड्राइवर शॉर्ट हाइटेड है और ठीक ठाक चलाता है तो आपके लिए काफ़ी स्पेस रहती है। पीछे दो लोगों के लिए स्पेस है, आराम से आप बैठ सकते हैं इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तो आई होप सो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे की कोई वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।